अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको देंगे फोटोशॉप में आई का कलर कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि गूगल क्रोम के चार कलर हैं, उस तरह हमने आई को आज बनाना है। ओके, सबसे पहले आपने जाना है एडजस्टमेंट में, यहाँ पर यू सैचुरेशन, यहाँ से आपने इसको कलराइज पहले कर देना है। रेड आपने रख देना है, 90 रख दिया, सभी का आपने यही रखना है क्योंकि ओके ये रेड कलर ही हमने रखना है। स्वाइप करें, यहाँ से आकर कंट्रोल आई कर दें, इन्वर्ट ब्रश, और यहाँ से सॉरी एक्स एक्स करेंगे तो ये चेंज होते रहेंगे, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। ये मैंने वाइट रखा और ये मैंने थोड़ा इसके ऊपर फेर दिया। ओके, इतना तो काफ़ी है। अभी जो जो बाहर निकल रहे हैं उनको हम ठीक कर लेंगे। ओके, बाहर पहले दोबारा जाना है यू सैचुरेशन में, येलो कलर कलर है सॉरी, इसको भी 90 रखते हैं, येलो ये वाला ठीक है। यहाँ से येलो कंट्रोल आई कर दें एंड इसको भी फेर दें, यहाँ पर हल्का हल्का, ये ज़्यादा हो गया, कम भी हो गया। ओके, अभी जाना दोबारा है यू सैचुरेशन में, कलराइज ग्रीन 90 एंड देन ओके रोल आई एंड इसको भी हल्का हल्का कर दें, और यू सैचुरेशन इसको ब्लू रखना है हमें 90 ये ब्लू। ओके, कंट्रोल आई एंड देन ओके हो गया। और जो ब्लैक कलर का वाइट होता है उसके अंदर क्रोम के अंदर, वो उस तरह का ग्रीन कलर होता है, ये नीचे दिखा भी था के तो ओके, ये हमारा ब्लैक है। इसको अगर आप करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, मगर ये चेंज नहीं होगा, फर्क ज़्यादा नहीं आएगा, वो ख़राब हो जाएगी तो करने की ज़रूरत नहीं। ओके, अभी इतना ही बात है, अभी इसको एक्स करेंगे। ये वाला ब्लू वाला मैंने ब्लैक कर दिया कि वाइट का कलर थोड़ा सा हम मिटा सकें, और एक्स से आपको बताया गया कि रिमूव ग्राउंड फोरग्राउंड और बैकग्राउंड होता है। ओके, अभी ये ग्रीन है इसको, सॉरी ओके इसको भी हल्का सा करना है एंड देन ओके ओके ये हमारी बन गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अस्सलाम वालेकुम।